भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आप क्या समझते हैं कि वैश्वीकरण का भारत में कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है या कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, यानी हम और आप इससे कितना प्रभावित हुए? यहां पर मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, ये तीन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग तरीके से समझें। इन तीनों में स्पष्ट अंतर है और यहां बात हो रही है वैश्वीकरण की, तो इसलिए आपको सोचना होगा कि आप वैश्वीकरण से कितना प्रभावित हैं, आप पश्चिमीकरण से कितना प्रभावित हैं, आप आधुनिकीकरण से कितना प्रभावित हैं, कौन सा इसमें आपके लिए ज्यादा हितकारी रहा है। तो हमारा अगला बिंदु अब भारत को लेकर है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पूंजी, वस्तु, विचार, लोगों की आवाजाही। भारतीय इतिहास का ये बहुत पुराना ढर्रा रहा है कि सतत रूप से पूंजी आती जाती रही, वस्तु विचार और लोगों की आवाजाही भी होती रही। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनादिकाल से काफी लोगों को परिचित रहा, यहां तक कि औपनिवेशिक काल के दौर में जब भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा था, ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत की जो वस्तुएं हैं, आधारभूत वस्तुएं, उसके बाद कच्चे माल का निर्यात, बने बनाए सामान का निर्यात, और उसके बाद तो फिर जब आयात की स्थिति आई तो भारत सदैव चाहे निर्यातक के रूप में या आयातक के रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बना रहा। इसके अच्छे परिणाम दुष्परिणाम दोनों ही स्पष्ट हैं। लेकिन आजादी हासिल होने के बाद हमने ब्रिटेन से हुए अपने अनुभवों से सबक लिया और ये तय किया हमारे तत्कालीन शासन ने, तत्कालीन सत्ता ने, कि हम दूसरों पर निर्भर ना हो। निर्यात जब हम कर रहे थे उस समय भी हम दूसरों पर निर्भर हो गए थे। हमने ये सुनिश्चित नहीं किया कि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता ना रहे। उसी का खामियाजा हुआ कि बाद में ब्रिटेन हम पर हावी हुआ और अंत में हमको आयातक बनना पड़ा, कच्चे माल का निर्यातक बनना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सबक जो हमने सीखा। उसके मद्देनजर आत्मनिर्भरता हमारी आर्थिक नीति का एक अहम मुद्दा बन गई। पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी, ये पंचवर्षीय योजनाएं जो आपने अर्थशास्त्र में और राजनीति विज्ञान में भी पढ़ा है, ये पंचवर्षीय योजनाएं आप देखेंगे तो शुरू से ही भारत सरकार का नजरिया आत्मनिर्भरता की ओर रहा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक के क्षेत्र में हो, खाद्यान्न के क्षेत्र में आदि क्यों ना हो। और इस प्रकार अपने को खुद निर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता रही। हमने फैसला किया कि दूसरे देशों को हम निर्यात की अनुमति नहीं देंगे, ताकि हम अपने उत्पादक देश चीजों को बनाना सीख सकें। मायने दूसरे देशों से हम आयात नहीं होने देंगे माल, क्योंकि दूसरे देशों से यदि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आयात होता है तो हमारे देश में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है उस पर चोट पहुंचेगी, गुणवत्ता पर भी चोट पहुंचेगी और बेरोजगारी इससे बढ़ेगी। तो इसलिए हमने ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक नीति बनाई कि इस तरह के फिनिश्ड प्रोडक्ट का, पक्के माल का निर्यात भारत में कम हो और हमारे स्वयं के जो उत्पाद हैं उनको न केवल हम बनाना सीखें जो अब लुप्त प्राय हो चुके हैं, बल्कि उनका विकास भी करें। और इस तरह की जो नीति भारत ने अपनाई, आर्थिक नीति अपने प्रारंभिक दिनों में, उसे हम संरक्षणवाद के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन इस संरक्षणवाद जिसमें हम अपने खुद के उत्पादकों को संरक्षण दे रहे थे कर नीति के माध्यम से, अपनी आर्थिक नीति के माध्यम से, उस संरक्षण के कुछ खामियाजे भी निकले।
उस संरक्षणवाद की नीति की कुछ कमियां भी दिखाई दी, उसने कुछ नई दिक्कतें पैदा कर दी। निश्चित रूप से ये जो नीति अपनाई गई थी प्रोटेक्शनिज्म, जिसे अंग्रेजी में कहते प्रोटेक्ट करना, अपने हितों को संरक्षण देने की नीति में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से जहां एक और तरक्की हमने देखी है, वहीं जो कुछ जरूरी पहलू थे जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, ये आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान नहीं गया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम निवेश हुआ, परिणाम कि अशिक्षा का स्तर, अशिक्षा का प्रतिशत काफी बढ़ा ही रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कम निवेश होने के कारण, सरकार का ध्यान कम होने के कारण, दुर्भाग्य से जो हमारा जो स्वास्थ्य का स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कहीं बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। हमको उतना फायदा नहीं मिल पाया जिसके हम हकदार थे जनता के नाते। और इसका कुल मिलाकर परिणाम क्या हुआ कि जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि की जो दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है, वो बड़ा धीमा रहा, काफी स्लो चलता रहा। ये सब सुनने के बाद कि भारत पर इसका किस तरह का प्रभाव देखा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे मन ही मन कि फिर वैश्वीकरण क्यों भारत में? आखिर भारत ने 1990-91 में अपने को विश्व आर्थिक व्यवस्था से क्यों जोड़ लिया यदि इतनी ही बुराइयां थी? इसका उत्तर तो आपको बाद में मिलेगा और निश्चित रूप से आपके मन में एक ऊहापोह प्रारंभ होगा कि भारत का जुड़ना उचित या अनुचित। फिलहाल हम ये जानें कि भारत ने ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई, वैश्वीकरण के दौर में और उसकी दौड़ में वो कब शामिल हुआ, तो इसके लिए हमें जाना होगा 1991। भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उसे हम कह सकते हैं, जब देश की आर्थिक व्यवस्था उदारीकरण की ओर बढ़ी, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। बहुत प्रारंभ में मैंने एक शब्द यूज किया था, एक इनिशियल LPG। LPG वैसे एक गैस सिलेंडर के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन लो प्रेशर गैस सिलेंडर, लेकिन यहां पर LPG याद रखने के लिए, L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ साथ कुछ हद तक जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसकी प्रक्रिया भारत में 1990-91 में प्रारंभ। आखिर क्यों? मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ के दौर में हमने जिस आर्थिक व्यवस्था को अपनाया उसकी एक बहुत बड़ी खामी थी कि आर्थिक गति बहुत धीमी थी और विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा स्थान कहीं नहीं था। हम भले ही क्षेत्रीय ताकत रहे हो, वो भी भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक विकासशील देश के ही रूप में, अविकसित देश के ही रूप में देखा जा रहा था। इसके अलावा और भी कुछ बातें थी जिसने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के उदारीकरण की ओर मोड़ा और वैश्वीकरण की नीति को अपना लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने अपने द्वार खोल दिए विदेशी पूंजी के निवेश के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ से सामान की आवाजाही, विचारों के आवाजाही, संसाधनों की आवाजाही अब उस हद तक सरल हो गई जो पहले नहीं थी। इसका मायने ये भी हुआ कि भारत ने जो संरक्षणवाद की नीति थी प्रोटेक्शनिज्म, उसको एक तरीके से त्याग दिया, संरक्षण देना बंद किया। लघु उद्योगों के संरक्षण की बात हो या बड़े उद्योगों, दीर्घ उद्योग जिनको कहते हैं,
उनके संरक्षण की बात हो, इसमें कुछ हद तक, काफी हद तक सरकार ने अपने हाथ से खींच लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की समानता, विदेशी पूंजी का निवेश, ये न केवल प्रारंभ हुआ बल्कि इसका स्वागत भी किया गया, क्योंकि भारत के पास तत्कालीन स्थिति में इतना धन नहीं था कि उतने बड़े बड़े विशाल स्तर के उद्योग खोल सके, लेकिन इच्छा तो थी, तो उसने विदेशी पूंजी के को न केवल आमंत्रित किया बल्कि उसका स्वागत किया। विदेशी प्रौद्योगिकी का भी उसने अहम फायदा उठाया, विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली। विदेशी ज्ञान को भारत में सतत रूप से आमंत्रित किया। अब अधिकांश वस्तुओं के आवाज के लिए हमें अधिकांश जो वस्तुएं थी उसको भारत में आने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस राज की प्रथा को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। अधिकांश वस्तुएं, याद रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूपेण समाप्त किया गया, अधिकांश वस्तुएं। इसी प्रकार देश के अंदर भी उत्पादन के लिए भी जो हर चीज के उत्पादन के लिए जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी उस पर भी काफी हद तक लगाम लगा दिया गया। अब यह अनिवार्य नहीं रहा कि हम एक तरीके से अनुमति ले या लाइसेंस ले। सूचना देना सरकार को किसी उद्योग के प्रारंभ की और सरकार से अनुमति लेना, ये दो अलग अलग चीजें। सूचना कमोबेश जारी रही सूचना की प्रक्रिया, लेकिन अनिवार्यता समाप्त हो गई और इस प्रकार भारत ने अपने को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया 1991 में। एक साथ यदि आप तत्कालीन तिथियों के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कितने बड़े बड़े अक्षरों में उदारीकरण की नीति का स्वागत किया गया। साथ ही आप ये भी पाएंगे कि किस तरह तत्कालीन विचारकों ने इस विदेशीकरण, इस खुलेपन की नीति का किस रूप में समर्थन किया और किस रूप में विरोध किया, और उसको पढ़ना बड़ा रोचक रहेगा। लेकिन तय यह है कि संरक्षणवाद की नीति को हमने त्याग दिया, लाइसेंस राज समाप्त हुआ, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जुड़ गए और भारत का निर्यात भी बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोग जो पहले धनी थे अब और धनी हो गए। भारत के कुल धन का लगभग 80-90% पैसा बहुत सीमित परिवारों के हाथ में चला गया और निर्धनता बढ़ गई, गरीबों की संख्या बढ़ गई। ये एक अलग बिंदु है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चुनौती है, लेकिन इसके जो फायदे हुए हैं इसका भी जिक्र करना जरूरी है, जो हम बाद में करेंगे, तब आप इस पे विचार मंथन कर सकते हैं कितना उचित कितना अनुचित। उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव, इसके विपक्ष में जो तर्क और वैश्वीकरण की नीतियों का ऋणात्मक प्रभाव क्या पड़ा, जिसे वही LPG के नाम से जानते हैं, इनको हम मूल रूप से कुछ शीर्षक में बांट सकते हैं, कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। यहाँ केवल बिंदु का जिक्र करना उचित होगा, विस्तार पे जाने की जरूरत नहीं। पहला बिंदु है कि इसके परिणाम स्वरूप, जैसा मैंने बताया, प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में जहां आत्मनिर्भरता को बल देकर योजनाएं बनाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कृषि एक तरीके से बैकफुट पर चली गई, कृषि की अवहेलना होने लगी, जाने अनजाने में ही सही। यद्यपि 1967-68 के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के माध्यम से कुछ प्रयास तो हुआ कृषि के विस्तार का, आधुनिकीकरण का, लेकिन जरूरत की तुलना में यह बहुत नगण्य। तो पहली समस्या या पहला बिंदु ऋणात्मक वह है कृषि की अवहेलना, दुर्भाग्य से दिखाई दी। दूसरा, शहरी केंद्रीयकरण। मैंने एक बिंदु के दौरान चर्चा करते हुए आपको बताया था कैसे पलायन हो रहा है और पलायन क्यों हो रहा है। किसान जो है वो मजदूर बन रहा है और मजदूर बनने के लिए वे
शहरों में जा रहे हैं जहां अधिकतर उद्योग स्थापित हैं। परिणाम स्वरूप गांवों से पलायन होकर शहर जो है वे विस्तार का, वे सारी गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं, जबकि भारत जो है वो गांवों का देश है। ये एक बहुत इसका बहुत बुरा पहलू है वैश्वीकरण का। तीसरा, आर्थिक उपनिवेशवाद जिसका भय सदैव बना रहा और सदैव सताता रहा, वह निश्चित रूप से भारत को प्रभावित कर रहा है। चौथा, उपभोक्तावाद जिसके बारे में पूर्व में आपको बता दिया गया है कि कैसे हम कंज्यूमर्स के रूप में अब मार्केट हमें प्रभावित कर रहा है, हम अपनी जरूरतों के अनुसार सामान का उपयोग उपभोग ना करके अब विज्ञापन से प्रभावित होकर सामानों का उपभोग कर रहे हैं, यही कंज्यूमरिज्म है। उसका जो फैलाव है वह भी चिंता का विषय। और अंतिम है सांस्कृतिक ह्रास, किस प्रकार से इस पश्चिमीकरण ने, वैश्वीकरण से प्रारंभ हुए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, यह भी चिंतनीय। भारत में फिर इसका प्रतिरोध किस तरह हुआ, या हुआ भी कि नहीं हुआ? क्या भारतीय सामान्य रूप से इस पश्चिमीकरण से कुल मिलाकर खुश है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जहां पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है और दिनों दिन मुखर होते जा रहा है, भारत भी कैसे इस विरोध की प्रक्रिया में अछूता रहे? जो आलोचक हैं वो कई तर्क देते हैं इसके विरोध में। पहला, जैसा मैंने बताया, वामपंथी विचारधारा वाले वे इसे पूंजीवाद का एक्सटेंशन मानते हैं। वे कहते हैं वैश्वीकरण कुछ नहीं बल्कि पूंजीवाद का ही एक अन्य पहलू है, एक अन्य अवस्था है, जो धनिकों को ज्यादा धनी और गरीबों को ज्यादा गरीब बनाती है। ये साम्यवादी विचारधारा के विचारकों का कहना है। दूसरा, उन विचारकों का भय है, को भय है दूसरे विचारकों को कि राज्य कमजोर होगा, और राज्य कमजोर होगा तो जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उस तबके की उपेक्षा होगी और उसके हितों की रक्षा करने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। या यदि है भी सत्य राज्य तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो इस तबके के पक्ष में मजबूत रूप से पेश आ सके। वैश्वीकरण के जो आलोचक का एक वर्ग है वह दक्षिण पंथी भी वर्ग कहलाता है, जिसमें मूलतः कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर वो लोग ज्यादा चिंतित हैं, जबकि वामपंथी आर्थिक प्रभावों पर ज्यादा चिंता दिखाता है। ये दक्षिण पंथी विचारकों के अनुसार उनकी चिंता राज्य के कमजोर होने की, उसके सार्वभौमिकता के खोने की, और उनका कहना है कि वैश्वीकरण हो लेकिन कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को बनाए रखा जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में, लाइसेंस राज पूरी तरह समाप्त न करके कुछ ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिसके जरिए भारतीय समाज को संरक्षण भी मिले और साथ ही हमें पश्चिमी या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से होने वाले लाभ से भी वंचित न किया जा सके। उनका ये कहना है कि सांस्कृतिक संदर्भ में परंपरागत संस्कृति टूट रही है, उसको हानि हो रही है, और लोग जो हैं वो सदियों पुराने अपने मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने तौर तरीकों को उनको खो रहे हैं, उनसे हाथ धो बैठेंगे एक दिन यदि ऐसा ही जारी रहा। और इसमें कोई दो मत नहीं कि आज कम से कम शहरों में रहने वाले लोग इस बात से सहमत होंगे कि जीवन मूल्य बदल रहे हैं, उसमें गिरावट ही आई है, कोई सुधार, कोई बेहतरी के लिए ये जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं आया है, और इस बात से भी सहमत होंगे कि उनके स्वयं के तौर तरीके भी, दूसरों को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। अपराधीकरण होना, हिंसा की गतिविधियां बढ़ना,
ये सब इस बात को इशारा करते हैं। इनका कहना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद। सांस्कृतिक मामले में इनका कहना है कि नुकसान जो हो रहा है उसे न्यूनतम रखा जाए, और इस बात की ओर गौर करते हैं, गौर कराते हैं कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो है वो विश्वव्यापी नेटवर्क है, तो उसमें हम पूर्ण रूपेण शामिल हैं और अपनी सोच से जो मिली जुली सोच रखते हैं उनके साथ हम एक तरह का गठजोड़ करें, हम एक तरीके से इस आंदोलन की तीव्रता को, इसके प्रभाव को बढ़ाएं। ये दक्षिणपंथी विचारकों का कहना है। वैश्वीकरण आंदोलन या वैश्वीकरण विरोध से संबंधित आंदोलन एक बात है, उनका बहुत सा आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के कुछ कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। अर्थात इस गुट के तबके के लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण के कुछ मुद्दे जहां स्वागतीय हैं, निश्चित रूप से ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पर नियंत्रण की जरूरत है, जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है, और इसीलिए हमें आइटम बाय आइटम ये देखना होगा कि उनके कुछ ऐसे कार्यक्रम, उनके कुछ ऐसे प्रयास, वैश्वीकरण के प्रयास हमें देश को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, अन्यथा ये कुछ नहीं बल्कि साम्राज्यवाद का एक नया रूप ही है। 1999 में जो सिएटल में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, जिसका मैंने जिक्र पूर्व में किया और ये बताया कि कैसे एक बहुत बड़ा वहां पे जन आंदोलन, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन भी मूल रूप से आर्थिक मुद्दों को लेकर ही था। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से जो देश ताकतवर हैं, वे व्यापार के अनुचित तरीके अपना रहे हैं, वे वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को इस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं मानो ये संस्थाएं उनकी मुट्ठी में हैं। इसी के विरोध में तब प्रदर्शन हुए थे, और विरोधियों का तर्क था कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों का हित जो है उसका ध्यान उतना नहीं रखा जा रहा है जितनी की जरूरत है, इसे समुचित महत्व देने की जरूरत है। ये सिएटल से शुरू हुई थी 1999 से घटनाक्रम, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2006 और फिर और आगे ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का जो विरोध हो रहा है उसको लेकर मैंने एक फोरम की बात की थी, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी स्थापना भी आखिर वैश्वीकरण का ही तो परिणाम मानी जाएगी। यदि वैश्वीकरण नहीं होता या वैश्वीकरण की प्रक्रिया इस रूप में नहीं होती जिस रूप में आज है, तो शायद ये संस्था भी नहीं बनती क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होती। तो वर्ल्ड सोशल फोरम में, जिसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणवादी हैं, मजदूर आदि हैं, इन्होंने नव उदारवादी वैश्वीकरण का जो लगातार विरोध किया है, और अपनी पहली बैठक जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, 1999 में सिएटल और 2001 में सोशल फोरम की बैठक, पहली बैठक ब्राजील में पोर्टो एलगेरो में हुई, 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में, और फिर आगे लगातार होती रही 2007 तक नैरोबी में आगे, और उसके बाद भी कई बैठकें हुई हैं। पर ये प्रारंभिक बैठकें अपने आधारभूत विचारों के लिए ज्यादा चर्चित हुई, और अपनी स्थापना के वर्षों में इन संस्थाओं ने या इन फोरम्स ने जिस तरह से सरकार का विरोध किया और जिस तरीके से विकसित राष्ट्रों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा, वह काफी चर्चित था। जहां तक वैश्वीकरण के प्रतिरोध की बात है, तो भारत का इसमें क्या अनुभव है, भारत क्या सोचता है, किस दौर से वो गुजरा है, तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सामाजिक आंदोलनों की ओर देखना होगा। सामाजिक आंदोलनों से लोगों को
अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस या अपनी परिधि में जो लोग हैं उनको समझने में मदद तो मिलती है, लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी मदद मिलती है और उस दृष्टि से सामाजिक आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण था। भारत में भी वैश्वीकरण का जो विरोध हुआ वो कई स्तर पर, कई हलकों में और कई इंटेंसिटी में, अलग अलग इंटेंसिटी में हो रहा है। वामपंथी तेवर सबसे ज्यादा तेज थे, सबसे ज्यादा मुखर विरोधी थी राजनीतिक दलों की यदि बात करें तो। दूसरी ओर इंडियन सोशल फोरम, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे ही भारत में भी एक सोशल फोरम की स्थापना हुई जो भारत में होने वाले वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों की अपेक्स बॉडी बनी। उसने भी अपने तरीके से प्रयास किया विरोध को प्रकट करने का। इसके अलावा मौजूद औद्योगिक श्रमिक संगठन, किसान संगठन, इन्होंने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को लेकर बार बार अपनी चिंता जताई है, विरोध किया है। कुछ पौधे जैसे नीम, उसको अमेरिका और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट करने का प्रयास किया, इसका भी काफी विरोध हुआ क्योंकि पेटेंट करने के बहुत बड़े मायने होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप नीम के उपयोग की जो उपयोगिता पर, जो आगे भारत में यदि कोई प्रयास होगा उस पर बंधन लग जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके का विरोध लगातार होते रहा। वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं उसको लेकर साम्यवादी विचारधारा से तब आप परिचित हो गए, वाकिफ हो गए। कुछ बिंदु आपने दक्षिण पंथियों के भी समझे। इन दक्षिण पंथियों के द्वारा राजनीतिक विरोध हुआ वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का विरोध इस खेमे ने कुछ ज्यादा ही किया, ये खेमा लेकिन सांस्कृतिक मुद्दे पर ज्यादा, सांस्कृतिक प्रभावों पर उसका ज्यादा, उसका विरोध था, उसका जोर था। उसका कहना था कि जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जाए विदेशी टीवी चैनल, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे और ऐसा न जाने क्या क्या लोग आज जो मना रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज हो या अन्य सामाजिक प्लेटफॉर्म हो, उसके साथ ही जिस तरीके की पश्चिमी पोशाक का प्रचलन भारत में बढ़ते जा रहा है, इसकी बढ़ती अभिरुचि और पहनावे का घटता स्तर, इसको लेकर दक्षिण पंथियों का विरोध थोड़ा ज्यादा था। तो इस प्रकार ये दो खेमे भारत में, जहां पश्चिमीकरण या वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं कुछ हद तक ये, एक और जहां सफल हुए हैं आर्थिक मुद्दे पर कुछ लगाम लगाने के लिए, पर सांस्कृतिक प्रभाव जो है उस पर कोई विशेष सफलता इस विरोधी आंदोलनों को, वैश्वीकरण से संबंधित विरोधी आंदोलनों को कुछ ज्यादा नहीं मिली है। उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनके कुछ सकारात्मक पहलू तो होंगे, तभी तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसका प्रभाव बढ़ रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। इस पर हमने लगातार चर्चा तो की, इसके पक्ष में क्या तर्क है इसको भी समझा, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बिंदुवार भारत में इसके नकारात्मक पहलुओं को बताया,